अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। मेरी ढेरों दुआएं आप सबके साथ हैं। आज आपके लिए एक जो है फॉगी फॉगी वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ और ये आज सुबह मॉर्निंग व्यू है, क्योंकि मॉर्निंग में जो है हमारी आँख खुली तो हर तरफ थी फॉग और पहले नहीं थी, एकदम अचानक से आई और हम लोग सब हैरान ये कहाँ से आई है। तो सोचा आपके साथ ये शेयर कर लिया जाए। और वैसे मॉर्निंग बहुत प्यारी है, विलेज की मॉर्निंग देखें कितनी प्यारी है, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे में आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये क्या है, ये फॉग है कि स्मॉग है? हमें लग ऐसा ही रहा था, क्योंकि धुआं जो होता है ना वो आपके गले में लगता है, तो ऐसा ही हुआ, हम लोगों के गले में लग भी रहा था और खांसी भी हो रही थी। तो बस ऐसा है कि वैसे ही किसी को इसके बारे में मालूम नहीं था, बस ये है कि करीब ही एक फैक्ट्री है तो उससे कोई अगर ऐसी कोई टॉक्सिक एयर या कुछ और हो तो हो, बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसके बारे में हम जानते नहीं हैं, बट मैंने सोचा आपसे ये व्यू शेयर किया जाए, आज का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर किया जाए। मैंने उस वक्त ये थोड़े से व्यूज़ बना लिए, बाहर जाकर बनाए, काफ़ी ज़्यादा वो गले में लग रही थी, बट ये है कि मैंने फिर भी आप लोगों के लिए ये व्यू ले लिया है। ये देखिए जनाब कितना प्यारा सा व्यू है, से ग्रीनरी और जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाकी दूर दूर तक कोई माउंटेन्स और कोई घर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो उस वक्त का ये व्यू है। आगे फिर जो है इसके बाद जो है ये सुबह 7:30-8 का टाइम है, और उसके बाद ये कि 10 बजे तक ये गायब हो गई थी, बिल्कुल क्लियर हो गया था आसमान। और 10 बजे के बाद फिर हम लोग थोड़ा बाहर निकले थे, हम लोग थोड़ा शॉप्स पर शॉपिंग के लिए गए, थोड़ी ग्रॉसरी लेनी थी उसके लिए गए, तो ये वहाँ के व्यूज़ हैं, आपके साथ मैं ये शेयर करती हूँ। हमने यहाँ से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और कुछ और चीज़ें लेनी थी, वो सब लीं। तो यहाँ का भी मेरा था कि अगर फॉग में ही जाते, हम पहले नहीं निकल सके, बट हम 10:30 तक गए थे। 10:30 का टाइम है सुबह का आज का, और यहाँ पे देखिए रोड पे अभी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ नज़र आ रहा है, और सब जो है ज़िंदगी के मामलात सब लोग जो हैं वो अच्छे तरह से सर अंजाम दे रहे हैं। इसलिए जो है यानी कि वह सुबह सुबह का ही था, और क्या था इसके पीछे हमें मालूम नहीं है। इसके बारे में क्या, अगर किसी को मालूम हो तो ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा कि ऐसा क्या था यहाँ पर। और ये देखिए बिल्कुल नॉर्मली सब ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, और मैं आपके साथ यहाँ के जो है मनाजिर शेयर कर रही हूँ। और हम लोग यहाँ पे विलेज में आए हुए हैं, और विलेज में आके हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, रफ़े खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी जो हैं हमारी वीडियोस देख रहे हैं, इसमें बस अपने बारे राय का इज़हार करते रहा करिए, बताते रहिए आप लोगों को क्या क्या देखना है। बस आज का एक थोड़ा सा अनयूजुअल सा था मंज़र, तो वो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। हम लोग ये वापस जा रहे हैं अपने घर की जानिब सामान लेकर, और वॉक करते, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे ये कोई जो है छोटी सी फैक्ट्री टाइप नहीं होती, जिसमें रेत बजरी वाली जो फैक्ट्री है या क्या है जो भी है काम हो रहा था। तो ये भी आप लोगों को मैंने कहा दिखा दूँ, बस ये आपको रास्ते के जाते हुए व्यूज़ दिखाऊँगी। और रेल जो है ट्रेन की पटरी, यस ये रही ट्रेन की पटरी, इसके ऊपर से भी गुजरेंगे हम। इसके दूसरी साइड पे हमारा घर है, और उसके उस साइड पर जो है वो रोड है जो एबटाबाद की जानिब जाता है, मेन रोड, और यहाँ से हमने इसको क्रॉस कर लिया और हम लोग अपने घर की जानिब जा रहे हैं। और राफ़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और राफ़ी यहाँ पे मुझे कह रहे थे, ये देखिए आगे जाकर वापस आए और मुझे कह रहे थे, मामा किसी दिन मैंने सैर के लिए जाना है और बड़ी स्पेशल जगह जाना है। मैंने कहा हम अभी घूम ही तो रहे हैं, इतना ज़्यादा सैर नहीं हो रही। तो कहते नहीं मैंने स्पेशल वाली जगह जाना है। मैंने कहा चलो किसी दिन माउंटेन पे चलते हैं। तो इसी तरह की बातें करते करते हम लोग यहाँ पे चले जा रहे हैं। बड़ा प्यारा सा वक्त हो रहा है इस टाइम, थोड़ा धूप जो है ना सर पर आ गई थी, सूरज तेज़ था, हमें गर्मी भी लग रही थी, बट ये है कि काबिल बर्दाश्त थी। तो हम लोग यहाँ से वॉक करते हुए घर की जानिब जा रहे हैं, और आफे जो है अपनी यहाँ पर जो दिन जो गुजर रहे हैं उन दिनों को के बारे में प्लान्स बना रहे थे मेरे साथ कि मामा यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो मैंने कहा चलें इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, और वो सब जो चीज़ें हैं वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ रहिएगा और वीडियो का वेट कीजिएगा। इस तरह की और मज़े की वीडियोस लेकर आती रहूँगी आपके सामने। यहाँ पे आपके साथ नाइट व्यू शेयर कर रही हूँ। रात को 15वीं तारीख थी चांद की, और ये मंज़र मेरा दिल किया आप लोगों से शेयर करने का, तो सोचा आपसे शेयर कर लिया जाए। कैसा लगा आपको ये मंज़र ये भी बताइएगा, और दूसरा जो है स्टार्ट में जो व्यूज़ थे वो भी ज़रूर, उसके बारे में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके मज़े मज़े के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मेरी ढेरों दुआएं आप सबके साथ हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।